पाँच से दस लाख का सामान आया था, उसमें कंप्यूटर सिस्टम भी है और भी स्पोर्ट्स का सामान है, तो वो सामान कहीं देखने को नहीं मिला, तो समझ नहीं आती है। यहाँ पे आपने देखा 12 या 14 चेयर्स है, एक टेबल पड़ा है और एक लाकर पड़ा है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। जो सामान आया था यहाँ पर लोगों के लिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक को पैसा मिला नहीं है, आम पब्लिक दर दर है आज भी। अब मेरा अपना जाति मसला नहीं है कि आप बोलोगे कि आप बताओ अपना जाति मसला, मैं अपना जाति मसला बताने के लिए आपको नहीं आया हूँ। और एक दिन हम बैठेंगे ऐसे सारे बात कर डिस्कशन। सबसे बड़ा मसला है वो, हर हफ्ते में एक दिन। सुनो मेरी बात, सबसे बड़ा मसला है यहाँ लोगों को दबाया गया। यहाँ लोग हैं अनपढ़, इनको पता नहीं है कुछ, इनको दबाया गया और बुरी तरीके से। आज भी बताओ किस किसके कार्य में फूल क्या है, कौन बंदा है कि जिसके कार्य में नहीं है सर में, घर में यूज करने के लिए। फिर आज हमें भी पांच पांच कुर्सियां दे दो सबों को, अगर घर में यूज करने के लिए दे दो पांच पांच कुर्सियां, अगर घर में यूज करने के लिए आप इसके खिलाफ एक्शन उठाओगे। इसके खिलाफ हम एक्शन उठाएंगे कि या गवर्नमेंट का मुलाजिम फंसेगा, गवर्नमेंट का मुलाजिम उठाएगा, नहीं फंसेगा कौन, गवर्नमेंट का मुलाजिम फंसेगा ना कि बताओ आपके अंडर इतना सामान था बोला। अगर ये बोलते हैं एप्लीकेशन, अगर हम ही कल चार बजे डीसी के सामने देंगे, अगर वो बुलाएगा किसको? नागिर साहब पहले देखो ना, ऐसे ही हम लोग आगे नहीं ले जाता। पिछला सरपंच या जीआरएस जो भी होगा उसके नोटिस में हुआ होगा कि वो सरपंच लेकर गया, वो बताएगा कौन, वो बताएगा कौन किसान, उसकी तो डिपार्टमेंट नहीं। मैं से एक बात बताऊँ, मैं मतलब आवाम क्यों बोलेगी सर किस लिए, हम क्यों बोलेंगे सर किस लिए, वो जब गवर्नमेंट के मुलाजिम को रगड़ा लगेगा वो खुद बोलेगा किस लिए। जितनी जरूरत है बिल्कुल उसको घर का बात है। मशीन है ऐसा कहा था वो उस वक्त, वो असल में एग्रीकल्चर वालों ने दी है, ब्लॉक वालों ने नहीं दी, ये इतना सामान है साढ़े सात लाख, वो कहाँ है, उन्हें उसको ढूंढना हमारा काम है कि आप लोगों का। पचास चेयर्स थी ये वाली सिंपल, जिसमें सबसे पहले जाके भाई करो करो बता, यहाँ जब पिछली बार इजलास हुआ उस वक्त भी शायद मैं और भी थे कुछ लोग उस वक्त जब मैंने यहाँ पे गिनी, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ का जो तो इसमें पहला रेजोल्यूशन जो हमारा पंचायत घर का मसला कहीं सालों से चल रहा है, तो उसकी भी बात हुई कि हमने एक रेजोल्यूशन बनाया यहाँ पे, जो इसका लोहा बिल्कुल खराब हुआ है, जंग पड़ा है पूरे लोहे के, लगभग 7-8 लाख रुपए का वो सामान रोड पे पड़ा है, उसकी पिछले 10-15 सालों से किसी ने कोई तवज्जो नहीं उसकी तरफ दी, चाहे डिपार्टमेंट की बात करें, पीआरआईज की बात करें, लेकिन आज आवाम जागी है, उसके बारे में बात कर रही है, तो हमें एक रेजोल्यूशन यहाँ पे लिखे दिया गया है कि इस पे कार्रवाई की जाए, क्यों वो लोहा जाया किया गया, क्यों एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पंचायत की प्रॉपर्टी को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, खराब किया गया यहाँ पे, तो उसे उसके रिलेटेड बात हुई। और दूसरी जो बात हुई यहाँ पे, जो फर्नीचर आया था पंचायत में चेयर्स वगैरह, वो भी लगभग सबसे ज्यादा जो इसका कसूरवार है वो पीआरआई से, चाहे हम जो हमारे आला थे पंचायत के लास्ट 5 ईयर से जो यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे थे सरपंच हजरात और जो उनके साथ मेंबर वगैरह जो भी है, तो अब तारिक साहब यहाँ पे ये भी बताएं कि आगे क्या कहेंगे आप। देखिए जावेद भाई, हमने उसकी पहले भी डीसी साहब को हमने एक एप्लीकेशन भेजी है पंचायत घर के बारे में, लेकिन ये जो हमारा पंचायत का सिस्टम है बहुत खराब है, हमारे पंचायत का सिस्टम आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की शिकायतें आ जाई है कि पैसा भी उन लोगों के खाते में जा रहा है जो वेंडर यहां पे बनाए गए हैं, लेकिन आम पब्लिक तक ये पैसा नहीं पहुंचा है। हम भी चाहते हैं इसमें कार्रवाई हो, वो जो हमारा लोहा बर्बाद हो चुका है उसकी कार्रवाई हो, और जो हमारे पंचायत के लिए सामान आया है, चाहे चेयर हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, जो भी जितना भी सामान है उसको एक ही जगह पे इंक्वायरी करके इकट्ठा किया जाए, ताकि वो पब्लिक का हक है, वो किसी को मतलब पर्सनल यूज करने के लिए नहीं आया है, वो आवाम के लिए आया है और उसको आवाम ही यूज करेगी।
बस मुद्दा तो यही था जो इजलास यहाँ पर हुआ, तो सबसे मतलब हमने बड़े इजलास किए, जो भी पलायन हम यहाँ दिन को बनाते हैं रातों रात वो पलायन चेंज हो रहा है, पता नहीं गरीब तक कोई पैसा नहीं पहुँच रहा है, मकान की किस्तें लोगों की अभी पड़ी हुई हैं, तीन तीन चार चार साल से किसी को किस्तें नहीं मिली हैं, किसी के घर में मतलब खाने के लिए यहाँ तक यहाँ मतलब रोटी नहीं है लोगों के पास, इतने परेशान हैं लोग, और ब्लॉक का जितना भी पैसा आज तक आया वो पता ही नहीं कहाँ जाता है, हरा पूरा अब किसी के भी अकाउंट में आप चेक करो दो या तीन या पाँच हजार से ऊपर किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा। तो हम मोरबाना गुजारिश करते हैं जो हमारे पंचायत घर का सामान पड़ा हुआ है वो जो यहाँ से चेयर किसी ने उठा के लिए, हम ये नहीं कह सकते हैं किसने लिए किसने लिए, हम तो जिम्मेवार जीआरएस को ही करार देते हैं जो मतलब यहाँ मौके का मुलाजिम है। तो हम मोरबाना गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और बीडीओ साहब से कि फिल फोर कार्रवाई की जाए, उस सामान को एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाए। तो बिल्कुल देखिए आखिर में यही है कि जो आज यहाँ पे प्लान बने हैं, कोशिश होगी, हमारी रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी जो मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद थे कि उस प्लान को उसी तर्ज से चलाया जाए, कल ऐसा ना हो जिस तरह से पिछले पांच सालों से हमारे पास यही प्रॉब्लम्स हो रही है कि लोगों की शिकायतें आ रही है कि यहाँ पे कुछ प्लान बनता है आगे उसको चेंज किया जाता है, लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी मुलाजमीन से जो ब्लॉक के मुलाजमीन यहाँ पे थे तो इसको कहीं किसी के दबाव में आकर चेंज ना किया जाए, क्योंकि आज का जवान जाग गया है और आने वाले टाइम में कहीं आपको फिर ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए यही गुजारिश है कि आप इस प्लान को चेंज ना करें और जो यहाँ पे लोगों ने अपने काम लिखाए आने वाले टाइम में आने वाले सालों में ये काम ग्राउंड पर होने चाहिए। तो उसके बाद आखिर में यही रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, जिला इंतजामिया से, कि जो ये सामान के रिलेटेड यहाँ पे आज बात हुई, काफी शोर शराबा हुआ, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो भी इसमें कसूरवार है, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम है, कोई पीआरआई है, कोई और हमारी पंचायत का कोई और फर्द है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे और भी कुछ कंप्लेंट आई, शिकायतें आई कि जो मटेरियल का पैसा बंद है वो भी लोगों को वागुजार होना चाहिए, उसके बाद जो मकानों की किस्तें हैं पीएमएवाई जो मकान केस यहाँ पे गरीबों को दिए गए थे उसमें भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारी किस्तें बंद है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि उनको भी जल्द उनके मसलों को हल किया जाए। उसके बाद जो आने वाले टाइम में और भी जो आईडीज अभी भी बैलेंस है हमारी पंचायत में, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनकी आईडीज पिछले कई सालों से नहीं बनी है, तो उनके नाम पिछले कहीं ग्राम सभा में लिए गए हैं लेकिन अभी तक वो कोई मालूम नहीं हुआ है कि उनका क्या बना है, तो अगर वो आईडीज बनी है तो उनके ऊपर भी अमल किया जाएगा। शुक्रिया।